तो जय हिंद साथियों, आप लोग सामने फिर से देखिए नया क्वेश्चन मैं लेके आ गया हूँ SCISF का है। आप ये मत समझिए ये SCISF के लिए, SCISF नहीं, SCRPF के लिए है, ये BSF कांस्टेबल ट्रेड्समैन के लिए है। SCRPF जो अभी टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन की वैकेंसी आई है, ये सभी के लिए आई है। तो आप लोग ये मत समझे, आप लोग को काफ़ी मैंने ये जो कि प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन था, जो पिछले CSF कांस्टेबल ट्रेड्समैन की एग्ज़ाम हुई थी उसकी वो पेपर थी। इसके बाद अब CSF फायरमैन की अब कंटिन्यू मैं क्वेश्चन की मतलब जुगाड़ कर रहा हूँ, कहीं कहीं से मैं लाने की कोशिश करता हूँ। तो आप लोग को ऐसा ही सेशन 25-25 का सब मैं कराता रहूँगा, तो डेली आप लोग को एक वीडियो आएगी। तो आप लोग बस इस चैनल से जुड़े रहें, आप लोग किया है ना कॉपरेट करें, मतलब कि ये मत समझें कि ये क्वेश्चन ईजी है, किसी भी कोई भी चीज़ को ईजी मत समझें। एक ईजी चीज़ जो होता है ना आप लोग को याद नहीं रखता, लेकिन आपको जो मुश्किल चीज़ है वो आपको याद हो जाती है। तो आप ये मत समझें कि ये आसान है वो मुश्किल है, मुश्किल को पहले याद रखना, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। मैं आप लोगों को बताऊं तो जो एग्ज़ाम ने मैंने अपना एक्सपीरियंस बताता हूं खुद का, कि जो मैंने एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन मेरे इजी लगा था वही क्वेश्चन हमसे नहीं बन पाया, सोल्व नहीं हो पाया, और जो हार्ड क्वेश्चन थी वही। तो चलिए मैं शुरू करता हूं, क्योंकि आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, अब शुरू करता हूं। तो निम्नलिखित में से किसमें गायत्री मंत्र है, आप समझ सकते हैं क्वेश्चन, क्योंकि क्या है ना आप क्वेश्चन को देख के लग रहा होगा आपको कि इतना इजी क्वेश्चन कहाँ पूछेगा। तो आपको पता है CISF या किसी भी फोर्स डिफेंस में आपको कन्फ्यूजिंग वाला क्वेश्चन होता है, तो ऋग्वेद, उपनिषद, आपको यजुर्वेद, अरण्यक, तो क्षेत्र का करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। उपनिषद तो होगा नहीं, अब सबसे पुराना पता ही है कि आपको ये ऋग्वेद है, इसमें आपके क्या है ऋग्वेद में कितने क्या है 10 मंडल है। उसके बाद फिर आपके ऋग्वेद से ही संगीत की उत्पत्ति, तो आपको समझ गायत्री मंत्र सामवेद सूत्र होता ऑप्शन। उसके बाद आपके 77 सामवेद से आपके गायत्री मंत्र की, तो सबसे पुराना भी तो ऋग्वेद है, तो आपको ये इसका करेक्ट आंसर क्षेत्र का ए हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या है ना कि आप लोग क्वेश्चन को देख के ये मत समझिए कि इजी है, इजी नहीं क्वेश्चन इसी टाइप के आपको पूछे जाते हैं। ये अरण्य का बात था, तो आपके 77 फ्लाइंग सिख के नाम से कौन प्रसिद्ध है, ऑप्शन है मिल्खा सिंह, बहादुर सिंह, सुरजीत सिंह, प्रीतिपाल सिंह। तो फ्लाइंग सिख जो आपको भाग मिल्खा मूवी जो बना है ना, ये हैदराबाद में EME सेंटर में बना है, तो वो फ्लाइंग सिंह के नाम से आपको करेक्ट आंसर 77 का ए हो जाएगा, मिल्खा सिंह। ये हैदराबाद में इसका मूवी बना है मिल्खा सिंह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं घेरा इसीलिए लगाता जा रहा हूँ ताकि आप लोगों का कंफ्यूजिंग ना रहे। उसके बाद क्या है बहादुर सिंह तो होगा, सुरजीत आप ऑप्शन की क्या है ना एक निगलेक्ट करने के लिए कोशिश कीजिए। और उसका पलिहा, देखो पलिहा को निकाल देने से क्या होती है, तो स्प्लीन को निकाल देने से क्या होती है, स्प्लीन उसका इंग्लिश शब्द है, स्प्लीन मतलब पलिहा, उसको निकाल देने से क्या होती है एंटीबॉडी उत्पादन में कमी होती है, या तो फिर RBC के उत्पादन में कमी होती है, प्लेटलेट्स के उत्पादन में कमी। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, एंटीबॉडी के उत्पादन में कमी। प्लेटलेट्स की तो प्लब्बिका प्लाज्मा में कमी तो होगा नहीं, एंटीबॉडी जो हमारे मतलब जो अट्रैक्शन जो क्या है ना किसी से लड़ने की जो होता है ना उसी को आपको स्प्लीन उसको निकाल देने से वो फिर उत्पन्न हो जाएगी, कमी हो जाएगी। उसके बाद आपको आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79। आपको 79 में तो आपको इजी क्वेश्चन है कि रोम का पूरा पूछ रहा है फुल फॉर्म, तो रीड ओनली मेमोरी, रैंडम ओपन मेमोरी, रीड ओपन मेमोरी एंड रैंडम ओनली मेमोरी। तो आपको तो पता है कि रोम का क्या होता है रीड ओनली मेमोरी, इसी तरह एक रैम होता है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी तो उसका ऑप्शन नहीं होता, तो रैम को तो पता ही है कि रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी तो वो तो ऑप्शन है नहीं, तो रोम है रीड ओनली मेमोरी, यानी 79 का करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। एक CPU होता है तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नागरिक समता का आशय है, नागरिक समता का आशय क्या है, कानून के समक्ष समता, अवसर की समानता, धन का समान वितरण, राज्यों के मामले में भागीदारी एवं समान अधिकार। तो आपको इसका करेक्ट आंसर आपके क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आपके ए हो जाएंगे, 80 का करेक्ट आंसर आपके ए, यानी कानून के समक्ष समता, कानून के समक्ष समता। उसके बाद आपको पता है कानून के समक्ष समता ये आपकी कौन से 14 में जो एक, तो उसके अनुसार आपके कानून के समक्ष समता ये आपके 6th अनुसूची में इसके वर्णन किया गया है। उसके बाद आपकी 81 में चलते हैं, जब कोई जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करते तो क्या होता है, थोड़ा सा ऊपर उड़ जाता है वो थोड़ा सा नीचे। देखिए इसका मैं आपको लॉजिक बताता हूँ, नीचे तो उठेगा नहीं, क्योंकि देखिए इसका मैं लॉजिक बताता हूँ। तो सबसे पहले आप देखिए तो समुद्र का जो आपका इसका ऑप्शन यही होगा थोड़ा ऊपर उड़ जाता, समुद्र का जो आपका डेंसिटी होता है उसमें खारे पानी होता है, उसकी वजह से क्या है ना कि इसका आप लोग की जो इसकी डेंसिटी होती है जो थोड़ा हाई होती है, तो ऊपर जाने में समुद्र की जो नाव होती है जो थोड़े से ऊपर चली जाती है घनत्व के कारण, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं, 82 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्योंकि 82 भी क्वेश्चन आप लोग का ज़्यादा हार्ड नहीं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन आपके बिल्कुल मीडियम होते हैं, क्योंकि क्या है ना, आप लोग बस देख के सकते हैं इतना इजी क्वेश्चन क्या एग्जाम में आएगा, और इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं आप लोग ध्यान नहीं देते हो, फंस जाते हैं कैंडिडेट्स। आपको बस पता है आप लोग को CSF फायरमैन की एग्ज़ाम कंडक्ट करने के लिए कम से कम तो आपको 5000 क्वेश्चन याद करने होंगे। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस आपको पता ही है कि 7 अप्रैल को मनाया जाता है, आपको तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि आपको 7 अप्रैल यानी कि 82 का करेक्ट आंसर, 25 अप्रैल आपके क्या होता है, ये आपके मलेरिया से संबंधित है, तो वर्ल्ड मलेरिया डे होता है ये, तो आपके 82 का। आसमान असमान द्रव्यमान वाले दो पत्थर समान वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंके गए हैं। असमान द्रव्यमान माने दोनों का अलग अलग, निम्नलिखित में से क्या घटित होगा? ऊपर दोनों फेंक दिए एक ही डायरेक्शन से, एक ही मतलब जो भी टाइमिंग था, तो दोनों बराबर ऊंचाई तक जाएगी। द्रव्यमान असमान है, समझ में आ रहा है? 83 का करेक्ट आंसर आप मेरे हिसाब से आपके 83 का करेक्ट आंसर आपके सी हो जाएंगे, दोनों बराबर ऊंचाई तक जाएंगे। उसके नंबर को क्योंकि असमान दोनों है ना, द्रव्यमान उसका दोनों का सेम है, ये मत समझिए कि दोनों मतलब कि आपके एक ज़्यादा ऊपर जाएगा एक नीचे, ऐसा लॉजिक नहीं आता है। नीचे की बात रहता है, चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति पूछ रहा है, तो प्रथम व्यक्ति आपको 20 में अगर आप पूछेंगे तो नील आर्मस्ट्रांग होंगे, यूरी गागरिन आपको पता है कि ये गए थे, ये चंद्रमा पर नहीं स्पेस में गए थे, अंतरिक्ष में गए थे, वलेंटिना तेरेस्कोवा भी गए थे, लेकिन आपके इसके करेक्ट आंसर आपके 84 के करेक्ट आंसर आपके सी हो जाएगी। आपको देखना है ऑप्शन, यूरी गागरिन तो पता है आपको, ये स्पेस में गए थे, अंतरिक्ष में गए थे, लेकिन चंद्रमा की बात कर रहे हैं तो स्पेस वाली बात नहीं, चंद्रमा की आपको 84 का। वलेंटिना तेरेस्कोवा ये आपको ये स्पेस में ये जो गए थे, लेकिन क्या है ना, इसका मतलब कि एक क्रम में आपको ये नील आर्मस्ट्रांग ये पहले हैं, उनकी बात इसमें फर्स्ट पूछा है तो फर्स्ट की बात चल रही है। उसके बाद फिर आपको क्वेश्चन नंबर 85 की ओर ले चलते हैं, ये होगा नहीं, क्वेश्चन नंबर 85 की ओर ले चलते हैं, क्योंकि आपके जो इसमें क्वेश्चन ज़्यादा दिमाग ऑप्शन मैं इसलिए निगलेक्ट कर देता हूँ कि आप लोगों को थोड़ा सा लगे कि एक एक सभी का मतलब कि जवाब मिल जाए, क्योंकि आपको क्या है ना कि सभी का मतलब एक्सप्लेनेशन करना ठीक नहीं है। DNA परीक्षण विकसित किया गया था तो आपको तो पता है वाटसन और ग्रिक के द्वारा किया गया था, 85 का करेक्ट आंसर सी होगा। और DNA का आपको डीऑक्सी नाइक्लो न्यूक्लियर एसिड होता है, आपको तो पता है, और RNA का तो न्यूक्लियर एसिड, आपको इसका फुल फॉर्म भी याद रखना है, डीऑक्सी नाइक्लो। तो उसके बाद आँख में वर्ण दर्शक कलर विजन जिसको बोलते हैं कलर विजन निम्न में से किसकी मौजूदगी से प्रभावित होता है? तो ये पता है किसके कारण प्रभावित होता है, आँख में आपके बन जाते हैं शंकु, इसके कारण मौजूद है। 86 का करेक्ट आंसर आपका डी हो जाए। टाँका शोल्डर मिश्र धातु, टाका में देखिए आप आयरन को देखिए, आयरन की जो कॉयल होती है उसमें देखिएगा आप कभी खोल के तो उसमें आपको टीन होता है और उसके साथ एक कांच का लेयर होता है, यानी शीशा, पी भी मान लो लेड, यानी कि टीन प्लस शीशा, यानी कि 87 करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, क्योंकि उसको कभी आप खोल के देखिए, अगर आप घर पर अगर ख़राब आयरन है या तो फिर कुछ भी जो गर्म होने वाला चीज़ है उसको कभी खोल के देखिएगा तो उसमें देखिएगा SN होगा और टीन होगा, यानी SN होगा और PB होगा, पतला एकदम आपको समझिए, शीशा एक अलग होता है और एक शीशा इसमें मतलब थोड़ा सा ऐसा शीशा रहेगा चकनाचूर होने वाला नहीं है। पौधे में जल का परिवहन किसके माध्यम से जाता है? तो आपको तो पता है जल जाइलम की द्वारा जाता है, फल फ्लोएम के द्वारा, इसमें कोई ज़्यादा निगलेक्ट करने की बात नहीं, सोचने की कोई बात नहीं, जल जाइलम और फल फ्लोएम के द्वारा, तो इसका पूछ रहा है जल का, तो जल का जाइलम, ज़्यादा हिसाब किताब नहीं लगाना। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं, 89 की ओर। फ्लोएम फा ऐसे सीधा सीधा याद है, जा से जल अब फा से फल। राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की? देखिए राष्ट्रपति ने अभी तक राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा ये 3 बार किया गया है। ये कब कब किया गया है ये मैं आपको बताऊंगा, ये तीन बार किया गया। और देखिए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद कितना में है? 352 में है, आर्टिकल 352 में है, और फिर आपके स्टेट में जब राष्ट्रीय आपात लागू करते हैं तो ये 365 और 360 के अंतर्गत लागू करते हैं, ये आपको दिमाग में रखना है, 356 और 365 के अंतर्गत लागू करते हैं, थोड़ा सा मिस्टेकिंग हो गई। उसके बाद आप लोगों को बताऊँ तो राष्ट्रीय आपातकाल जो घोषित किया गया था सबसे पहले 360 में, तो ये आपके 1962 में किया गया था एक बार पहली बार, फिर दूसरा बार 1971 में किया गया था, उसके बाद आपके तीसरा बार किया गया था आपके 1977 में किया गया था। या मैं आप लोग को लिख कर एक्सप्रेशन कर देता हूँ, क्या है ना कि जगह नहीं है तो थोड़ी सी दिक्कत होती है लिखने में, लेकिन फिर भी मैं आप लोग को लिख के बता देता हूँ कि सबसे पहले आपके 1962 में किए गए थे, भारत चाइना की युद्ध हुआ था उस टाइम, उसके बाद भारत और पाकिस्तान की युद्ध हुआ था 1971 में हुआ था,
उस टाइम किया गया था 1971 में, उसके बाद तीसरा बार किया गया था 1977 में, ये पता नहीं कि इस टाइम क्या हुआ था, लेकिन ये तीसरी बार आपातकाल की घोषणा की है। तराइन की द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में किसने किसको पराजित किया था, तो पता है यह कि पहला युद्ध में क्या है ना, पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी को हरा दिया था, यानी कि मोहम्मद गौरी हार गई थी, लेकिन दूसरा बार क्या है, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को चौहान को हरा दिया गया था। ये आपको पता है एडी, जो कि आपको ये तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध, यानी पहला में तो पृथ्वीराज जीत जाता है और दूसरे में मोहम्मद गौरी हार जाती है, मोहम्मद गौरी जीत जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। तराइन की पहली लड़ाई में पृथ्वी किसको पराजित किया, देखिए वो भी आ गया मोहम्मद गौरी, यानी कि 91 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। मृदा और शैल खंडों के नीचे खिसकने के लिए घटना को क्या कहते हैं, तो मृदा के नीचे शैलखंड की संख्या भूस्खलन लैंडस्लाइड उसको, तो यानी कि आपके इस करेक्ट आंसर ये हो जाएगा 93। आप वीडियो रोक लीजिएगा। संविधान के किस संशोधन ने मौलिक अधिकारों की अपेक्षा राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों को अधिकार महत्वपूर्ण बना दिया, तो ये आपको 42 अमेंडमेंट एक्ट में किया गया था, 42वें संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट। अब ये आपको पता है DPSP जो नीति निर्देशक तत्व था, DPSP आपको पता है कि नीति निर्देशक तत्व आपको कहाँ से लिया गया, ये आपके आयरलैंड से लिया गया है, और मौलिक फंडामेंटल राइट ये आपको कहाँ से लिया गया, ये आपको हमको कमेंट्स करके बताओ, मौलिक अधिकार जो फंडामेंटल राइट्स है ये कहाँ से लिया गया है कमेंट्स करके बताओ। और 42वें कॉन्स्टिट्यूशन को, 42वें संविधान संशोधन को ये मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, छोटा संविधान कहते हैं इसे, क्योंकि संविधान का 2/3 यहीं से लिया गया है, तो आप हमको कमेंट करो कि फंडामेंटल राइट्स जो है कहाँ से लिया गया। पृथ्वी के दोनों ओर कौन से ग्रह हैं, जैसे देखिए मानते हैं आपको सर्किल में बनाइएगा, तो सर्किल में बना अब अकॉर्डिंग चलना कि बीच में अगर पृथ्वी तो उसके बगल में कौन कौन से ग्रह हैं। फिर जब मानते हैं कि आप सूर्य बना लिए, तो सबसे पहले सूर्य के निकट कौन है आपको तो पता है, उसके बाद फिर आपको फिर एक मैं बनाता हूँ, देखिए इसको अरेंज कर अब पृथ्वी आ गई, अब पृथ्वी आ गई तो उसके बाद पृथ्वी के बगल में देखेंगे कौन कौन आएगी। तो सबसे पहले देखिए, पहले तो पृथ्वी बीच में आ गई, तब पृथ्वी के बगल में मंगल है, उसके बाद फिर आपके कौन है शुक्र है, तो शुक्र उसके बाद फिर आपके मंगल हो जाएंगे, यानी 94 के करेक्ट आंसर आपके डी हो जाएंगे। मंगल मार्स और शुक्र का क्या होता है, शुक्र का वीनस होता है, शुक्र का शायद जो भी, यानी मत देने मंगल उसका करेक्ट आंसर डी होगा। अब मत देने का अधिकार होता है, मत देने का अधिकार की क्या होता है, एक राजनीतिक अधिकार यानी नागरिक अधिकार, आर्थिक कानूनी अधिकार है, आपको कानूनी अधिकार अगर कोई अगर आपको मत देने से रोकता है तो आप उसके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं, वो आप वो उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जा सकती है, तो आपको 95 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। राजनीतिक अधिकार तो होगा नहीं, राजनीतिक अधिकार का मतलब क्या हो जाएगा कि एक ही आदमी से अगर वोट लगवा लेगा अगर मतलब कि बोल के, तो उसकी पार्टी ही वोट दे देगी, तो वो तो अकेला ऐसे ही जीत जाएगा। कानूनी अधिकार है, आपको अपने मन से किसी को भी वोट दे सकते हैं। कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय मानव दिवस मन जिसको ह्यूमन राइट्स डे बोलते हैं, मानवाधिकार दिवस, तो 10 दिसंबर इसी दिन नोबेल पुरस्कार दिया जाता है पूरा ऑल इंडिया में, विश्व में। अब ये आपको 1 दिसंबर को एड्स दिवस बनाया जाता है, तो एड्स का आपको फुल फॉर्म कमेंट्स बॉक्स में मेरे को बताना है, उसके बाद फिर आपको HIV का भी आप कमेंट्स बॉक्स में मेरे को बताओ फुल फॉर्म, ये सब क्वेश्चन आपको आ जाते हैं। नोबेल पुरस्कार किस में योगदान के लिए नहीं दिया जाता है, देखिए शांति के लिए दिया जाता है, चिकित्सा के लिए दिया जाता है, अर्थशास्त्र के लिए दिया जाता है, कंप्यूटर विज्ञान के लिए नहीं दिया जाता, और एक और है वो क्या है मैं आपको बताता हूँ, तो कंप्यूटर विज्ञान और मैथ्स के लिए नहीं दिया जाता है, गणित के लिए नहीं दिया जाता है, मैथमेटिक्स के लिए नहीं दिया जाता, तो 97 का करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। ये ध्यान में रखना कि मैथ्स के लिए भी नहीं जाता, ऑप्शन अगर मैथ्स अगर दे दिया जाए तो नोबेल, सबसे पहले नोबेल पुरस्कार आपको रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था गीतांजलि पुरस्कार के में, तो आप समझ सकते हैं, ये भी बात याद रख सकते हैं। सभी आपको मैं पहले वाले ही भी मैं निगलेक्ट करके इसलिए बताता हूँ कि आपको दिमाग में ये बातें आ जाए कि ऐसा ऐसा मतलब कि हुआ है। उसके बाद चलते हैं गांधी जी की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाएं निम्नलिखित में से कौन, सत्य और अहिंसा, इनका तो दो ही वाक्य था, सत्याग्रह तो इनके एक मतलब एक संघ मतलब एक चलाया गया एक कानून था, लेकिन इनकी शिक्षा पूछ रहे हैं, तो आपको सत्य और अहिंसा। निम्नलिखित स्थानों में से किसमें रैतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया है, तो इसके लंबा लॉजिक है रैतवाड़ी बंदोबस्त के लिए, इसका आंसर मैं पहले बता देता हूँ, इसका आंसर तो आपके देखिए, ये आपके देखिए ये क्या है ना, ये प्रेसिडेंशियल एक्ट के अंतर्गत आपके 1793 में आपको कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया था, लेकिन उसके बाद में आपको बताऊँ तो राइडो
राइडो आपको एक्ट आपके 1820 में इसके इसका करेक्ट आंसर आपको मैं बताऊं तो सी होगा। और उसके बाद फिर महाराष्ट्र और उसके बाद मुंबई एक तो महाराष्ट्र आप समझ सकते हैं 1832 में इसके किया गया। तो इसका देखिए इसका बहुत बड़ा मैं यहाँ क्या एक्सप्लेनेशन करना मेरे को बहुत स्पेस भी थोड़ी सी देखना है उसके बाद मैं एक्सप्लेनेशन करता हूँ। तो इसका करेक्ट आंसर आप दिमाग में रखे रहे तो वाली बंदोबस्त आपको कब किया गया था तो ये मद्रास और मुंबई यानी कि आपके करेक्ट आंसर आपके 99 का करेक्ट आंसर आपके सी हो जाएंगे। दिमाग में ये रखना क्योंकि ये बड़ा लॉजिक था ये एक्सप्लेनेशन मैंने करा कुछ लेकिन आप लोग को समझ में नहीं आएगा। उसके बाद स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था आपके देखिए सबसे पहले आपको देखिए बंगाल विभाजन के रूप में तो ये देखिए बंगाल विभाजन की इसका ऑप्शन तो करेक्ट आंसर एक ही होगा स्वदेशी आंदोलन आपको बंगाल विभाजन के रूप में किया गया था क्योंकि बंगाल विभाजन कब हुआ था 1905 में हुआ था लॉर्ड कर्जन के टाइम में लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था 1905 ईस्वी में। तो आप लोग बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था तो 1905 में इसके किए थे। उसके बाद में आपके सारे ऑप्शन को नेगलेक्ट फर्स्ट में ही ऑप्शन आंसर मिल गया तो सभी को मैं जलियांवाला बाग भारतीय सत्य ये तो होगा नहीं। तो आपके देखिए ये इसका करेक्ट आंसर आपको देखिए ये 25 क्वेश्चन टोटल हो गए आपके तो 100 का करेक्ट आंसर आपके ये हो गए। तो इसी तरह मैं अगला सेशन भी आप लोग को लाऊंगा बस आप लोग जो भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को पूछा वो कमेंट्स में आप लोग को चाहे ना बुक से आप दे के जवाब दें लेकिन दें। तो बस इतना ही। जय हिंद जय भारत।